Hi everyone, this is Kirti and in this video we are going to cover Shakespeare, the most quoted author in a dictionary of English language. So part 1 we have already done, जिसमें हमने discuss किया था कि William Shakespeare का जन्म कब हुआ था, उनकी death, उनका education, spouse and children and occupation के बारे में हमने MCQs discuss कर लिए थे part 1 में. ये उनका part 2 है जिसमें हम MCQs देखेंगे, जिसमें उनके ऊपर जो mostly writers हैं उनके द्वारा comment किए गए हैं, क्या क्या उनके ऊपर comment किए गए हैं उन्हें हम discuss करेंगे. तो चलिए start करते हैं video. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 106 तक हमने कर लिया था पार्ट वन में. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर लीजिएगा. सो यहाँ पर 107 है, द लंदन पब्लिक प्ले हाउसेज वर रिपीटेडली क्लोज ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आउटब्रेक ऑफ द प्ले फॉर ए टोटल ऑफ 60 मंथ क्लोजर बिटवीन. तो लंदन में जो प्ले हाउसेज यानी कि जो थिएटर्स थे वो लगभग 7 महीनों तक बंद रहे थे. कब से कब तक बंद रहे थे ये आपको बताना है. तो मई 1603 एंड फरवरी 1610 तक ये जो है प्ले हाउसेज हैं लंदन में बंद रहे थे ड्यू टू प्लेग की वजह से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, शेक्सपियर वॉज बरीड इन द कैंसल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च डैश हिज डेथ. ठीक है, शेक्सपियर को होली ट्रिनिटी चर्च में बरीड किया गया था उनकी डेथ के 2 दिन बाद. सो आंसर है आफ्टर टू डेज आफ्टर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, फाइंड द नेम ऑफ द इंग्लिश फिजिशियन एंड फिलेंथ्रोपिस्ट हु पब्लिश द फैमिली शेक्सपियर 1807 एंड एक्सपर्गेटेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर वर्क एडिटेड बाई हिज सिस्टर हैनरीटा मैरिया वॉर्डलर इंटेंडेड टू बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर 19th century वोमेन एंड चिल्ड्रन दैन द ओरिजिनल. तो ये हैं, ये फिजिशियन का नाम है थॉमस बॉर्डलर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, द हिस्ट्री ऑफ कार्डेनियो ऑफन रेफर टू एज मेयरली कार्डेनियो इज अ लॉस्ट प्ले एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर एंड. तो ये कार्डेनियो विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर को एट्रीब्यूटेड है. ये उनका प्ले है जो उनकी लाइफ टाइम में परफॉर्म तो किया गया था बट आज की डेट में इसका कोई रिटन अकाउंट अवेलेबल नहीं है. तो ये एक लॉस्ट प्ले है उनका. नेक्स्ट, विच क्रिटिक सा क्लियोपेट्रा एज थिंग एंड नो विल्डर ऑफ पावर बट रादर दैट हर डिवोरिंग सेक्सुअलिटी डिमिनिशेज हर पावर. तो ये स्टेटमेंट है टीएस एलियट का जिन्होंने क्लियोपेट्रा के लिए बोला है. नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट प्ले हाउस बिल्ट बाय एक्टर फॉर एक्टर्स ऑन द साउथ बैंक ऑफ द टेम्स एट साउथवार्क वॉज. ठीक है, फर्स्ट प्ले हाउस बनाया गया था एक्टर्स के लिए टेम्स नदी के साउथ मतलब दक्षिणी किनारे पर. टेम्स रिवर है जो इंग्लैंड में, उसके दक्षिणी किनारे पर बनाया गया था जो कि ग्लोब थिएटर था. सो आंसर इज ग्लोब थिएटर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, द ग्लोब ओपन इन ऑटम 1599, विच प्ले वाज फर्स्ट टू बी स्टेज्ड हेयर. यानी ग्लोब थिएटर बन के तैयार हो गया था इन 1599 में, 1599 में ये बन गया था. और कौन सा प्ले था जिस पर पहली बार परफॉर्म किया गया था, तो ये प्ले था जूलियस सीजर जो कि फर्स्ट टाइम इस पर परफॉर्म किया गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, द एक्टर्स इन शेक्सपियर कंपनी इंक्लूडेड द फेमस रिचर्ड बर्वेज विलियम कैम्पे हेनरी कंडेल एंड. यानी शेक्सपियर की प्लेइंग कंपनी में कौन कौन से एक्टर शामिल थे जिनमें फेमस थे रिचर्ड बर्वेज जो कि मेन मतलब हीरो वगैरह के रोल यही किया करता था रिचर्ड बर्वेज, विलियम कैम्प जो कि कॉमेडी मतलब रोल किए उसको दिए जाते थे, हेनरी कंडेल एंड जॉन हेमिंग्स, ये सारे उनके कंपनी में एक्टर्स थे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, विच एक्टर प्लेड रोल सच एज टच स्टोन इन एज यू लाइक इट एंड फूल इन किंग लियर. है ना, किसने टच स्टोन का और किंग फूल का रोल किया था इन किंग लियर. रॉबर्ट आर्मिन जो एक्टर था उसने टच स्टोन का रोल किया था इन एज यू लाइक इट और फूल का रोल किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, विच पॉपुलर कॉमिक एक्टर प्लेड द रोल ऑफ
सर्वेंट पीटर इन रोमियो एंड जूलियट एंड डॉग वेरी इन मच एडो अबाउट नथिंग। किस फेमस एक्टर ने रोमियो एंड जूलियट के अंदर पीटर का रोल एंड डॉग बेरी का रोल इन मच एडो अबाउट नथिंग में किया था? तो विलियम कैम्पे था। यानी कि ये जो हमारी हिंदी फिल्म है जिनमें जॉनी लीवर टाइप के एक्टर होते हैं, उस तरीके का एक्टर था विलियम कैम्पे। यानी कॉमेडी रोल इसको दिए जाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। फर्स्ट फोलियो अ कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस कंटेंट 36 टेक्स्ट, हाउ मैनी ऑफ देम वर प्रिंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, जो फर्स्ट फोलियो आया था उसमें 36 थे, उससे पहले कितने फर्स्ट टाइम मतलब इनके पब्लिश हो चुके थे? तो 18 से पहले, फर्स्ट फोलियो से पहले पब्लिश हो चुके थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। हु रिमार्क दैट शेक्सपियर वांटेड आर्ट? किसका रिमार्क है? सो बेन जॉनसन का रिमार्क है, शेक्सपियर वांटेड आर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। इन द 19th सेंचुरी हु पोर्ट क्रिटिकल एडमिरेशन दैट किंग शेक्सपियर डज नॉट ई शाइन इन क्राउन सोवर्निटी ओवर अस ऑल एज द नोबलेस्ट जेंटलेस्ट यट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ रैलिंग साइन इन डेस्ट्रिक्टिबल? ये स्टेटमेंट है थॉमस कार्लाइल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। विच इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक रोट हिज एसे द व्हील ऑफ फायर ऑन शेक्सपियर्स ड्रामा? ठीक है, किस इंग्लिश मतलब लिटरेरी क्रिटिक ने अपना ऐसे लिखा है विलियम शेक्सपियर के ड्रामा के ऊपर द व्हील ऑफ फायर? जी विल्सन नाइट। जी विल्सन नाइट ने उनके ड्रामास के ऊपर अपने ऐसेज लिखे हैं जिसका नाम है द व्हील ऑफ फायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। हु इज क्रिटिसाइज बाई बेन जॉनसन इन दी वर्ड्स? बेन जॉनसन के द्वारा किसे क्रिटिसाइज किया गया है? ये वर्ड्स हैं, ही वॉज इन डीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर, हैड एन एक्सीलेंट फैंसी, ब्रेव नोशंस एंड जेंटल एक्सप्रेशंस, वेयर इन ही फ्लोड विद दैट फैसिलिटी दैट समटाइम इट वॉज नेसेसरी ही शुड बी स्टॉप्ड। सो ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर के लिए कहा है बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट पॉइंट है, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स? वॉट नीड माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर बोन्स, द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन, और दैट इज हॉल हेलोट रैलीक्विज शुड बी हिड अंडर स्टार पॉइंटिंग पिरामिड। तो ये जो लाइन्स हैं ये जॉन मिल्टन की हैं, उन्होंने अपनी उनकी कविता है ऑन शेक्सपियर उसमें उन्होंने लिखी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। सैमुअल पेपीज इन हिज डायरी एंट्री 29 सितंबर 1662 क्रिटिसाइजेज ए प्ले ऑफ शेक्सपियर इन द वर्ल्ड, इट इज़ द मोस्ट इंसिपिड रिडिकुलस प्ले दैट एवर आई सॉ इन माई लाइफ, आई सॉ आई कन्फेस सम गुड डांसिंग एंड सम हैंडसम वीमेन विच वॉज ऑल माई प्लीजर द प्ले वॉज। ठीक है, सैमुअल पेपीज़ ये बहुत बड़ा नाम है, डायरिस्ट थे, ये डायरी लिखा करते थे, डायरिस्ट में इनका नाम बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ लिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो डायरी एंट्री करी है उसमें इन्होंने लिखा शेक्सपियर के मतलब एक प्ले को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, बेसिकली उस प्ले का नाम बताना आपको। तो मिड समर नाइट ड्रीम को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है अपनी डायरी में, मिड समर नाइट ड्रीम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। हु एडमायर्ड शेक्सपियर इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी सेइंग दोज हु एक्यूज हिम टू हैव वांटेड लर्निंग गिव हिम द ग्रेटर कमेंडेशन, ही वॉज नेचुरली लर्न, ही नीड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर, ही लुक्ड इन वर्ड एंड फाउंड हर देयर। तो ये फेमस एडमिरेशन की गई है विलियम शेक्सपियर की जॉन ड्राइडन के द्वारा। मतलब उन्होंने कहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि वो मतलब ऐसे मतलब शेक्सपियर की जो क्रिटिसाइज करते हैं उन लोगों को शेक्सपियर से सीखने की ज़रूरत है, ना कि कमेंट करने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। इन 1712 वन ऑथर कमेंटेड, है ना, 1712 की बात है ये, कि एक ऑथर ने उनके ऊपर कमेंट किया था विलियम शेक्सपियर के ऊपर, एवंग द इंग्लिश शेक्सपियर हैज़ इनकम्पेरेबली एक्सेल्ड ऑल अदर दैट नोबल एक्सट्रावेजेंस ऑफ फैंसी विच ही हैड इन सो ग्रेट परफेक्शन थ्रूआउटली क्वालिफाइड हिम टू टच हिज रीडर्स इमेजिनेशन एंड मेड हिम कैपेबल ऑफ सक्सीडिंग वेयर ही हैड नथिंग टू सपोर्ट हिम बिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ओन जीनियस, है ना। तो
तो ये कमेंट उनके ऊपर किया है जोसेफ एडिशन ने इन द स्पेक्टेटर नंबर 419, है ना। इन्होंने लिखा था, ये जर्नल्स वगैरह लिखा करते थे जोसेफ एडिशन, तो इन्होंने अपने जर्नल्स द स्पेक्टेटर में ये कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स, को किसने कमेंट किया शेक्सपियर के ऊपर इन वर्ड्स में, हिज करेक्टर आर सो मच नेचर हेयर सेल्फ दैट इट इज सॉर्ट ऑफ इंजरी टू कॉल देम बाई सो डिस्टेंट अ नेम एज कॉपीज ऑफ हर। अलेक्जेंडर पोप ने कमेंट किया है कि उनकी मतलब जो शेक्सपियर के नेचर जो करेक्टर हैं वो इतने ज़्यादा नेचुरल थे कि नेचर को ऐसा लगता था कि वो नेचर की ही कॉपी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन दी वर्ड्स, इन वर्ड्स में किसने उन्हें कमेंट किया है। आई विल कंक्लूड बाई सेइंग ऑफ शेक्सपियर दैट विद ऑल हिज फॉल्ट इन कंपेरिजन ऑफ दोज दैट आर मोर फिनिश्ड एंड रेगुलर एज अपॉन एन एंशियंट मजेस्टिक पीस ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर कंपेयर्ड विद अ नीट मॉडर्न बिल्डिंग, द लेटर इज मोर एलिगेंट एंड ग्लेयरिंग बट द फॉर्मर इज मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर सॉलिड। अलेक्जेंडर पोप का ही स्टेटमेंट है ये वाला भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर, किसने किसका कमेंट है ये इन द वर्ड्स, द टाइम विच अलोन मेक द रेपुटेशन ऑफ मैन एट द एंड मेड देयर फॉल्ट रेस्पेक्टेबल, द मोस्ट जिगजेंटिक एंड बिजारे आइडियाज ऑफ दिस ऑथर हैव अर्न आफ्टर 200 ईयर द राइट टू बी कंसिडर्ड सबलाइम। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर, परहैप्स इट वुड नॉट बी ईजी टू फाइंड एनी ऑथर एक्सेप्ट होमर, है ना, हु इन्वेंटेड सो मच एज शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर के अलावा मतलब ऑथर के अलावा यहाँ कोई दूसरा नहीं है जिसने इतना इन्वेंट किया हो जितना कि शेक्सपियर ने। यहाँ पर शेक्सपियर की तुलना की गई है होमर के साथ, हु सो मच एडवांस द स्टडीज विच ही कल्टिवेटेड और इफ्यूज सो मच नोवल्टी अपॉन हिज एज और कंट्री द फॉर्म द करेक्टर द लैंग्वेज एंड द शो ऑफ द इंग्लिश ड्रामा आर हिज। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन दी वर्ड्स, देयर इज नो प्लीजर ग्रेटर एंड प्योरर देन विद आईज क्लोज्ड अ कंपनी अ शेक्सपियर प्ले नॉट डिक्लेम्ड बट रिसाइटेड बाई अ सेफ एंड नेचुरल वॉइस, जॉन वॉल्फगैंग गूथे का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, हु कमेंटेड, परहैप्स नो वन हैज़ मेड सो ग्रेट एज द फर्स्ट मेजर लिंक ऑफ विश एंड ड्यूटी इन द इंडिविजुअल करेक्टर एज शेक्सपियर डिड। गूथे का स्टेटमेंट है, नेट 2007 में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, हु रोट इन ऑन हीरोज हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री इंग्लिश मैन एंड वीमेन विल से टू वन अनदर, यस दिस शेक्सपियर इज अवर्स, वी प्रोड्यूस्ड हिम, वी स्पीक एंड थिंक बाई हिम, वी आर ऑफ वन ब्लड एंड काइंड विद हिम। थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है, उनका वर्क है ये ऑन हीरोज हीरो वर्शिप एंड हीरोइक इन हिस्ट्री, इसमें इन्होंने ये सब लिखा है, मतलब बहुत सारे हीरोज़ को लेके उन्होंने उसमें लिखा है, तो उसमें से एक है विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, हु राइट, आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर द ओसन, मतलब शेक्सपियर को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो मैं कहूंगा शेक्सपियर द ओसन, मतलब वो एक ओसन की तरह है, ओसन है वो, तो विक्टर ह्यूगो का कमेंट है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, हु राइट, आई एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ पावरफुल एस्थेटिक प्लीजर बट हैविंग रीड वन आफ्टर द अदर वर्क रिगार्डेड एज इज बेस्ट, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट एंड मैकबेथ, नॉट ओनली डिड आई फील नो डिलाइट बट आई फेल्ट एन इरेसिस्टिबल रिपल्सन एंड टीडियम। और ये स्टेटमेंट है लियो टॉल्स्टॉय, ये एक नोटोरियस राइटर है, मतलब नोटोरियस इन द सेंस कि इन्होंने मतलब अच्छे वे में कमेंट नहीं किया शेक्सपियर को, नेगेटिव कमेंट किया है कि मतलब जो जिन प्लेस को उनको उनके फेमस माना जाता है, जो उनकी फेमस ट्रेजडीज हैं जैसे किंग लियर वगैरह, मैं तो उनको पढ़ने के बाद मेरे को तो उनसे घृणा होने लगी, है ना, ऐसे कहा है इन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, हु रोट द फॉलोइंग लाइंस, व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर,
ठीक है, जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो मैं एकदम आश्चर्य से भर जाता हूँ, दैट सच ट्रीवियल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज, कि मतलब वो लोग कितने तुच्छ हैं, मतलब ट्रीवियल हैं, है ना, कि इतनी सुंदर लैंग्वेज की भी मतलब उसको क्रिटिसाइज करते हैं। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, हाउ बोरिंग हाउ स्मॉल शेक्सपियर पीपल आर, येट द लैंग्वेज सो लवली लाइक द डाइज फ्रॉम गैस्चर, है ना। तो DH लॉरेंस का स्टेटमेंट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है जब वो शेक्सपियर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, विच मॉडर्न ऑथर सपोर्टेड द थ्योरी दैट द वर्क एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर वर रिटन बाई एडवर्ड दी वे द अर्ल ऑफ ऑक्सफर्ड इंसिडेंटली इन इन दिस मीन टाइम आई स्टॉप टू बिलीव दैट द ऑथर ऑफ शेक्सपियर वर्क वर द मैन ऑफ स्टेट फोर्ड, है ना, सिगमंड फ्रॉड का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, हु राइट टू बी एबल टू डिवोट वंस लाइफ टू आर्ट विदाउट फॉरगेटिंग दैट आर्ट इज फ्राइवोलस इज अ ट्रिमंडस अचीवमेंट ऑफ पर्सनल करैक्टर, शेक्सपियर नेवर टेक हिमसेल्फ टू सीरियसली, WH ऑर्डन का स्टेटमेंट है ये। WH ऑर्डन मॉडर्न पोइट हैं, ये 20th सेंचुरी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है 138, हु रोट, ये भी स्टेटमेंट है TS एलियट का, बहुत फेमस स्टेटमेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, दंते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन दैम देयर इज नो थर्ड, यानी कि जो पूरा एंशियंट से लेके जो मॉडर्न टाइम है ये सिर्फ दो ही राइटर के बीच में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, यानी दंते और शेक्सपियर, नो थर्ड, नो वन थर्ड, कोई तीसरा नहीं है उनकी नज़र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, हु रोट द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न टाइम एंड यूज अनलेस द लिमिटेशंस ऑफ अवर क्रिटिकल ऑफ ऑल टाइम, ऑटो मैरिया कारपैक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, हु कमेंटेड इन द वर्ड्स शेक्सपियर इज़ द कैनन, ही सेट द स्टैंडर्ड एंड द लिमिट ऑफ लिटरेचर, है ना, शेक्सपियर को कैनन कहा है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने शेक्सपियर ही वो इंसान है जिन्होंने लिटरेचर की लिमिट और स्टैंडर्ड को सेट किया है। हैरोल्ड ब्लूम का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 141, हु रोट शेक्सपियर डिवोट ग्रेट केयर टू एस्टेब्लिशिंग द पॉलिटिकल सेटिंग इन ऑलमोस्ट ऑल हिज प्लेज एंड हिज ग्रेटेस्ट हीरोज आर रूलर्स हु एक्सरसाइज कैपेसिटीज विच कैन ओनली बी एक्सरसाइज विद इन सिविल सोसाइटी, टू नेगलेक्ट दिस इज सिंपली टू बी ब्लाइंडेड बाई द ब्रिलियंस ऑफ वंस ओन प्रेजुडाइसिस, एलन ब्लूम का है ये। नेक्स्ट है Who commented in the word, Shakespeare found many ingenious ways to make it seem that his greatest plays unfolded of themselves like a destiny rather than by technical expert such scheming, Kenneth Burke का स्टेटमेंट है, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, हु कमेंटेड अ गुड मेटाफर फॉर द एक्शन ऑफ कैजुअल इंसिडेंटल रिलेशनशिप अमंग वर्ड एंड आइडियाज इन शेक्सपियर इज पैचिना, स्टीफन बूथ का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, द टर्म बार्डोलेट्री ड्राइव फ्रॉम कॉइनेज बार्डोलेटर कंबाइनिंग द वर्ड बार्ड एंड आइडोलेट्री बाई रेफर्स टू द एक्सेसिव एडोलेशन ऑफ शेक्सपियर, यानी बार्डोलेट्री एक टर्म है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी बार्ड एंड आइडोलेट्री, बार्ड मतलब शेक्सपियर और आइडोलेट मतलब जो लोग शेक्सपियर को पूजा करते हैं यानी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं शेक्सपियर की, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे GB शॉ उनमें से हैं एक। नेक्स्ट है 145, हु यूज द फ्रेज स्टिल वैक्स्ड बर्मूथ फॉर द इमॉर्टल पेजेस ऑफ हैक्लिट, ये फ्रेज है स्टिल वैक्स बर्मूथ, है ना, विलियम शेक्सपियर के द्वारा यूज़ किया गया था इसे, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, बिटवीन 1590 एंड 1593 द थिएटर वर क्लोज ओइंग टू, है ना, इस समय थिएटर बंद हो गए थे, डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय द एक्टर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, विच प्ले वाज ओमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो एडिशन इन 1623, ठीक है, शेक्सपियर के 4 फोलियो आए थे, यानी फर्स्ट फोलियो उनका 1623 में आया था, जिसमें से एक प्ले को ओमिटेड किया गया था, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बार बार आता है, पेरिकल्स था वो प्ले जिसे ओमिटेड किया गया इन मतलब फर्स्ट फोलियो एडिशन में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 148, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोइट हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव सोल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
है ना, ड्राइडन ने, जॉन ड्राइडन ने कहा है, शेक्सपियर को प्रेस किया है मतलब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, हु स्पीक दिस लाइन, पीस पीस डस डाउ नॉट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट दैट सक द नर्स एस स्लीप। ये स्टेटमेंट है, मतलब कौन सी प्ले से ये लाइन्स ली गई हैं, शेक्सपियर के ये बताना है। तो ये लाइन्स हैं उनका जो फेमस प्ले है क्लोपैट्रा एंड एंटनी एंड क्लोपैट्रा, है ना, मतलब क्लोपैट्रा बोलती है इस प्ले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, हु रोड इन हिज नोटबुक शेक्सपियर ड्राइटन एंड बेन जॉनसन हैड ए मेरी मीटिंग एंड इट सीम ड्रंक टू हार्ड फॉर शेक्सपियर डाइड ऑफ ए फीवर देयर कंट्रैक्ट। मतलब एक जगह एक मतलब राइटर हैं जॉन वार्ड, उन्होंने अपने लिखा है बुक में कहीं एक जगह कि शेक्सपियर और ये लोग मिले थे एक जगह, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी मतलब शराब पी ली और शेक्सपियर को फीवर आ गया, फीवर की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से शेक्सपियर की डेथ हो गई थी। तो ये थे जॉन वार्ड द विकार ऑफ स्टेटफोर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151, इन विच ऑफ हिज नोवेल डज इटैलो कैल्विनो कंस्ट्रक्ट हिज नैरेटिव थ्रू अ टैरट पैक ऑफ कार्ड एंड रीइंटरप्रेट द वेस्टर्न कैनन प्रोवाइडिंग न्यू वर्जन ऑफ ईडिपस रेक्स फर्स्ट हैमलेट मैकबेथ एंड किंग लियर द कासल ऑफ क्रॉस डेस्टिनीज। ठीक है, ये इनका नोवल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152, इन विच प्ले एक करेक्टर सीज, कौन से प्ले में करेक्टर कहता है ओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152, इन विच प्ले कौन से प्ले में करेक्टर सीज कहता है ओ स्वीट मिस्टर शेक्सपियर आई विल हैव हिज पिक्चर इन माई स्टडी एट द कोर्ट। एनोनिमस प्ले रिटर्न फ्रॉम पार्नसस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153, विच वॉल्यूम वॉज प्रीफेस्ड विद ए पोएम बाई बेन जॉनसन इन विच जॉनसन प्रेसेंटली हेल्स शेक्सपियर इन ए नाउ फेमस कोट एज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ठीक है, फर्स्ट फोलियो 1623, ये कोट है बेन जॉनसन ने किया था शेक्सपियर के द्वारा, जो कि अब एक फेमस कोट बन गया है ना, उनके फर्स्ट फोलियो में ऐड किया गया उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एडिटर ऑफ वर्क ऑफ द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट एडिटर किसे माना जाता है, निकोलस रॉ। निकोलस रॉ को विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट बायोग्राफर माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155, हु रोट अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर एंड टाइटल सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ये भी निकोलस रॉ हैं, निकोलस रॉ इज द फर्स्ट बायोग्राफर और विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156, हु हैज़ रिटन द पॉपुलर बुक शेक्सपियर सेक्स एंड लव। ये शेक्सपियर के ऊपर बुक लिखी है, किसने लिखी है, स्टैनली वेल्स हैं, स्टैनली वेल्स की बुक है शेक्सपियर सेक्स एंड लव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157, At what age Shakespeare appeared to have retired to Stratford, where he died 3 years later? Age 49, around 1613. In which work Ben Jonson presently hails Shakespeare in a now famous quote, not of an age but for all time. कि विलियम शेक्सपियर केवल एक एज के लिए नहीं थे, वो तो मतलब एवरग्रीन है फॉर ऑल टाइम। ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, प्रीफेस टू फर्स्ट फोलियो पब्लिश इन 1623, है ना, फर्स्ट फोलियो में इसे ऐड किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, विलियम शेक्सपियर इज ए क्रिटिकल एसे पब्लिश्ड इन 1864 बाय विक्टर ह्यूगो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, हु रोड द फोर्थ कमेंडेटरी वर्स टू द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज 1623, जेम्स मे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, द पिक्टोरियल शेक्सपियर विच हैड अपियर्ड इन पार्ट 1838-1841 इज ए वर्क बाय चार्ल्स नाइट का वर्क है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, इलेरिया इज द एग्जॉटिंग सर्चिंग ऑफ ट्वेल्थ नाइट इन विच अदर प्ले शेक्सपियर हैज़ रेफर टू दिस प्लेस एज अ साइट ऑफ पिरेट। ठीक है, तो ये जो इलेरिया है ये ट्वेल्थ नाइट की सेटिंग है, रखी गई है इस जगह विलियम शेक्सपियर की।
और कौन सा प्ले है विलियम शेक्सपियर का जिसमें इस जगह की बात की गई है ना, तो वो है हेनरी सिक्स पार्ट टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163, मालवोलियो अ कॉमेडी ऑफ हियर और इम्पोस्टर्स इज ए वर्स प्ले रिटन बाय, है ना, मालवोलियो के ऊपर एक वर्स प्ले लिखा गया है एमिली सी ए सिंडर के द्वारा। मालवोलियो जो कि ट्वेल्थ नाइट विलियम शेक्सपियर का प्ले है उसमें ये करेक्टर है, इसके ऊपर उन्होंने वर्स प्ले लिखा है एमिली सी ए सिंडर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, मालवोलियो रिवेंज इज ए पॉपुलर फिक्शनल वर्क बाई सोफी मैसन, है ना, मालवोलियो के ऊपर बहुत सारे वर्क लिखे गए हैं। एक वर्क है, मतलब एक वर्स प्ले लिखा गया है वो सिंडर के द्वारा, एक है उनका मालवोलियो रिवेंज इज ए पॉपुलर, उनने फिक्शनल वर्क लिखा है, ये सोफी मैसन है, इन्होंने मालवोलियो के ऊपर फिक्शन वर्क लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165, हु पब्लिश्ड ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोइट्री 1909 विच इंक्लूड एन एसे ऑन शेक्सपियर एंटनी एंड क्लोपैट्रा एंड एसे एंटाइल्ड टाइटल्ड शेक्सपियर द मैन, ए सी ब्रेडली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166, हु इज़ द ऑथर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 विच सेंटर ऑन शेक्सपियर फोर ग्रेट प्ले किंग लियर ओथेलो हैमलेट एंड मैकबेथ, ठीक है, हु इज़ द ऑथर, मतलब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के ऑथर हैं ए सी ब्रेडली, जिसमें उन्होंने उनकी ग्रेट फोर ट्रेजेडी को फोकस किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167, हु ऑरिजिनेटेड द टर्म प्रॉब्लम प्ले विद रिगार्ड टू शेक्सपियर अ फ्यू प्लेस, ठीक है, ये जो टर्म है प्रॉब्लम प्ले किसने ऑरिजिनेट किया था, तो फ्रेडरिक बॉस ने इसे ऑरिजिनेट किया था प्रॉब्लम प्ले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन स्कॉलर इन 1875 रोट शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट, ये कौन से स्कॉलर हैं जिन्होंने ये लिखा है शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट, ये हैं, ये वर्क है एडवर्ड डोडेन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169, विच टेल ऑफ शेक्सपियर ड्राइडन फाउंड टू बी पार्टिकुलरली बैड रेफरिंग टू इट एज ए हीप ऑफ रबिस, ठीक है, शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो ड्राइडन ने उसे ए हीप ऑफ रबिस कहा है, ए हीप ऑफ रबिस, टेल ऑफ ट्रॉलियस, ट्रॉलियस को ड्राइडन ने हीप ऑफ रबिश कहा है। नेक्स्ट है 170, हु रिकॉग्नाइज द ब्रिलियंस ऑफ शेक्सपियर इन हिज वर्क प्रोलॉग टू औरंगजेब इन द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है, शेक्सपियर को प्रेज किया है अपने वर्क औरंगजेब में, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द पोइट प्राइड अ सीक्रेट शेम इनवेड हिज ब्रेस्ट एट शेक्सपियर सेक्रेट नेम आउट व्हेन ही हियर हिज गॉड लाइक रोमन रेज ही इन जस्ट डेस्पेयर वुड क्वाइट क्विट द स्टेज एंड टू एन एज लेस पॉलिश मोर अन स्किल्ड डस विद डिसडेन द फॉरमोस्ट ऑनर ईल्ड, जॉन ड्राइडन है ये, जॉन ड्राइडन ने अपने वर्क में प्रेज किया है विलियम शेक्सपियर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, हु रोट अ कलेक्शन ऑफ टू पोएम अंडर द कलेक्टिव टाइटल कोरियोलेन इन ऑनर ऑफ शेक्सपियर प्ले कोरियोलेनस, यानी शेक्सपियर का प्ले कोरियोलेनस से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे टीएस एलियट कि उन्होंने अपनी पोइम का नाम रखा कोरियोलेन, बस टाइटल में थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172, हु रोट अ लैंडमार्क वर्क कॉल्ड करेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेज इन 1817 में करेक्टर ऑफ शेक्सपियर वर्क किसके द्वारा लिखा गया, बहुत फेमस वर्क है ये, विलियम हैजलिट के द्वारा, विलियम हैजलिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173, हु रोट द फॉलोइंग वर्क, कुछ वर्क्स हैं ये जो लिखे गए हैं विलियम शेक्सपियर के ऊपर ही हैं, व्हाट हैपन इन हैमलेट 1959 में लिखा गया, व्हाट हैपन इन हैमलेट, शेक्सपियर इंग्लैंड, अ बुक ऑफ एलिजाबेथन प्रोज 1911, द एसेंशियल शेक्सपियर अ बायोग्राफिकल एडवेंचर 1932, द फॉर्चून ऑफ फालस्टाफ 1943, शेक्सपियर हैप्पी कॉमेडीज 1962 एंड शेक्सपियर सोनेट 1963, है ना, डॉबर विल्सन के वर्क हैं ये, डॉबर विल्सन के वर्क हैं शेक्सपियर के ऊपर। से क्वेश्चन नंबर 174, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर स्कूल लोकेटेड ऑन द कॉर्नर ऑफ चर्च स्ट्रीट एंड चैपल लेन इज थॉट टू हैव बीन अटेंडेड बाई विलियम शेक्सपियर, ठीक है, कौन सा स्कूल था
जो शेक्सपियर जिसमें पढ़ने गए ऐसा माना जाता है ना, किंग एडवर्ड सिक्स स्कूल, उनके स्कूल का नाम था, जो ग्रामर स्कूल था ना जिसमें भेजा गया था शेक्सपियर को, उस स्कूल का नाम था किंग एडवर्ड सिक्स स्कूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बीथेड इज लास्ट ऑन 14 अगस्त 1984 एज्ड 89 इन स्टेटफोर्ड अपॉन एवन वारविक शायर इंग्लैंड, है ना, ये कौन से राइटर हैं भाई 89 की एज में स्टेटफोर्ड अपॉन एवन में वारविक शायर में इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई, लाइक शेक्सपियर, है ना, जॉन बर्नटन प्रिस्टली हैं ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 241, समथिंग विग्ड दिस वे कम अ 1962 डार्क फैंटेसी नोवल बाय रे ब्रेडबरी टेक इट टाइटल फ्रॉम शेक्सपियर, ठीक है, ये टाइटल है, मतलब रे ब्रेडबरी नोवलिस्ट हैं, उनका नोवल का टाइटल है समथिंग विग्ड दिस वे कम्स, तो ये शेक्सपियर के किस प्ले पर बेस्ड है, तो विच इज स्पीच इन मैकबेथ, है ना, विच इज़ की जो स्पीच है मैकबेथ में उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर नोवल टेक इट्स टाइटल फ्रॉम मिरांडाज स्पीच इन विलियम शेक्सपियर द टेम्पेस्ट एक्ट फिफ्थ सीन वन, ठीक है, कौन सा पॉपुलर नोवल है जिसने अपना टाइटल लिया है मिरांडा की स्पीच से, यानी विलियम शेक्सपियर का प्ले है ना टेम्पेस्ट, उसमें मिरांडा की जो स्पीच है उससे उसने टाइटल लिया है, ओ वंडर हाउ मेनी गुडली क्रीचर आर देयर हेयर हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट, ये मिरांडा की स्पीच है जो एक्ट फाइव के सीन वन में बोली गई है उसके द्वारा, है ना, इस स्पीच से इम्प्रेस होकर एल्डर्स हक्सले ने अपने नोबल का नाम रखा था ब्रेव न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177, द इसेंशियल शेक्सपियर इज ए वर्क बाय इसेंशियल शेक्सपियर जे डॉवर विल्सन का वर्क है जे डॉवर विल्सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 178, द पैसिनेट पिलग्रम 1599 इज एन एंथोलॉजी ऑफ 20 पोइम्स कलेक्टेड एंड पब्लिश बाई विलियम जैगार्ड दैट वर एट्रीब्यूटेड टू, है ना, ये पैसिनेट पिलग्रम की एंथोलॉजी है जिसे विलियम जैगार्ड के द्वारा पब्लिश किया गया जो कि समर्पित है विलियम शेक्सपियर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179, हु हैज़ कम्पोज द पोएम एन हैथवे, एनी हैथवे पोएम किसके द्वारा कम्पोज की गई है, कैरोल एनी डफी, कैरोल एन डफी ने एनी हैथवे लिखी है, ठीक है, एनी हैथवे जो कि वाइफ थी विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180, अ 14 लाइन पोएम इन आइम्बिक पेंटामीटर कंसिस्टिंग ऑफ 3 क्वार्टर्न एंड ए कंक्लूडिंग कपलेट इज नोन एज, ठीक है, 14 लाइन पोएम जिसे हमें पता है जिस सोनेट को कहा जाता है 14 लाइन पोएम जिसमें आइम्बिक पेंटामीटर में 3 क्वार्टर्न होंगे कंक्लूडिंग ए कपलेट है उसे क्या जाना जाता है, उसे शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 181, द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट इज ए 1910 शॉर्ट कॉमेडी बाय डैश, ठीक है, डार्क लेडी ऑफ द सोनेट एक कॉमेडी है किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना, इन विच विलियम शेक्सपियर इंटेंडिंग टू मीट द डार्क लेडी एक्सीडेंटली एनकाउंटर क्वीन एलिजाबेथ एंड मतलब आई एंड अटेम्प्ट टू परसुएड हर टू क्रिएट ए नेशनल थिएटर, ठीक है, तो ये कॉमेडी है जो डार्क लेडी के ऊपर लिखी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, विलियम शेक्सपियर की जो डार्क लेडी थी सोनेट वाली। नेक्स्ट है 182, हु स्टेट इन शेक्सपियर सोनेट द प्रॉब्लम सॉल्व सोनेट 153 एंड 154 आर नॉट अनसुइटेबली प्लेस्ड एज अ काइंड ऑफ कोडा टू द डार्क लेडी सोनेट टू विच दे रिलेट, है ना, एल रॉस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 183, हु रोट दैट नो पोइट कैन आस्क मोर ऑफ पोस्टेरिटी दैट टू बी ग्रेटली ऑनर्ड बाय द ग्रेट एंड जॉनसन्स, जॉनसन वर्ड इन द प्रीफेस अबाउट शेक्सपियर आर ग्रेट ऑनर, टी एस एलियट। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 184, हु इन हिज लेक्चर ओपाइन दैट व्हाट होमर वाज टू ग्रीस एंड दंते टू मिडिल एज लाइक वॉइज शेक्सपियर वॉज टू दी मॉडर्न एज, यानी अपने लेक्चर में किसने कहा ये, थॉमस कार्लाइल ने कहा है कि जैसे होमर ग्रीस के लिए थे, मतलब ग्रीक के लिए जैसे होमर को जाना जाता है, दंते को मिडल एज के लिए जाना जाता है, वैसे ही शेक्सपियर को मॉडर्न एज के लिए जाना जाता है, थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है ये।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185, हु क्लेम दैट एज इन राइटिंग ऑफ होमर वी कैन एनविजन ओल्ड ग्रीस, सिमिलरली शेक्सपियर वर्क कैप्चर ओल्ड यूरोप इन डिफरेंट वेज। ये भी थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है, मतलब कि यही है कि जैसे होमर के वर्क में हम पूरा जो ग्रीस, ओल्ड ग्रीस है उसके दर्शन कर सकते हैं, वैसे ही शेक्सपियर के वर्क में हम पूरे इंग्लैंड या यूरोप के, यूरोप को देख सकते हैं ओल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 186, हु रोट द सोवरन पोइट शेक्सपियर विद हिज सीइंग आईज, विद हिज पर एनियल सिंगिंग वॉइस वॉज सेंट टू टेक नोट ऑफ द चेंजिंग टाइम इन यूरोप, थॉमस कार्लाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 187, हु ओपाइंड दैट हैड इट नॉट बीन शेक्सपियर प्रोसिक्यूशन फॉर डियर स्टीलिंग वी परहैप्स वुड नेवर हियर ऑफ हिम एज ए पोइट। ये भी थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है कि अगर वो कभी डियर स्टीलिंग ना करते शेक्सपियर तो शायद हम उनसे कभी मिल नहीं पाते, यानी वो कभी पोइट ना बन पाते। नेक्स्ट है 188, हु यूजेस द फॉलोइंग सुपरलेटिव टू प्रेज शेक्सपियर, प्राइसलेस कामनेस ऑफ डेफ, प्लेसिड ऑफ जॉयस स्ट्रेंथ, ग्रेट सोल, ट्रू एंड क्लियर लाइक ए ट्रैंक्विल ऑफ अनफेथमेबल सी। ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है थॉमस कार्लाइल ने उनके लिए। नेक्स्ट है 189, हु एसर्ट दैट नॉट इवन द साइंटिफिक वर्क ऑफ इंटेलेक्ट ऑफ सर फ्रांसिस बेकन इज अर्थली एंड सेकेंडरी इन कंपैरिजन टू शेक्सपियर, इम्प्लाइंग शेक्सपियर्स वर्क टू बी डिवाइन, है ना। ये भी थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190, हु बिलीव दैट इफ एनीवन फ्रॉम द मॉडर्न टाइम्स कुड बी कंपेयर टू शेक्सपियर ओनली द जर्मन पोइट गूथे इज समवाट कंपेरेबल टू द इंग्लिश पोइट। यानी कि अगर किसी को कंपेयर किया जाए शेक्सपियर के साथ तो जर्मन पोइट केवल गूथे ही हैं जो स्टैंड कर सकते हैं उनके सामने, यानी थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191, हु कॉल शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्ट एंड टर्म दिस एज द अनकॉन्सियस इंटेलेक्ट एंड ऑल्सो क्लेम दैट देयर इज मोर वर्च्यू इन शेक्सपियर दैन ही इज इवन अवेयर ऑफ, थॉमस कार्लाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 192, हु बिलीव्ड, किसका ये मानना है, दोज ड्रामाज ऑफ हिम, यानी कि शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं, आर प्रोडक्ट ऑफ नेचर टू डीप एज नेचर एज हर सेल्फ, यानी कि वो ऐसे मतलब प्रोडक्ट हैं, इतने नेचुरल प्रोडक्ट हैं कि जैसे खुद नेचर। ये भी थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193, हु फील बिवेल्डर्ड वाइल राइटिंग द लाइन्स हाउ ए मैन डेलिनेट अ हैमलेट अ कोरियोलेनस अ मैकबेथ सो मैनी सफरिंग हीरोइक हर्ट इफ हिज ओन हीरोइक हियर एंड हैड नेवर सफर्ड, थॉमस कार्लाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 194, ऑन हीरोज हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री इज ए कॉम्पिलेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ लेक्चर कंपोज्ड बाय, थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल के वर्क है ये ऑन हीरोज हीरो वर्शिप एंड हीरोइक इन हिस्ट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195, हु रोट द ऐसे लेक्चर द हीरोज एज अ पोइट दंते शेक्सपियर। ठीक है, ये लेक्चर मतलब उनका वर्क है ये थॉमस कार्लाइल का, द हीरोज एज ए पोइट, दंते एंड शेक्सपियर को उन्होंने हीरो बनाया इसका, इस वर्क का, थॉमस कार्लाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 196, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर फीचर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सोलिलॉक्वी एंड हैज़ मोर बैटल सीन फोर एंड स्टेज वन रिपोर्टेड देन एनी अदर ऑफ हिज प्ले, हेनरी सिक्स पार्ट थ्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 197, रॉबर्ट ग्रीन इज बेस्ट नोन फॉर ए पॉस्थूमस पैम्फलेट ग्रीन्स ग्रोथ वर्थ ऑफ विट बोट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस वाइडली बिलीव टू कंटेन एंड अटैक ऑन, ये विलियम शेक्सपियर के ऊपर था उनका, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 198, द कमेंट अबाउट एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीचर रेफर टू शेक्सपियर प्लेगरिज्म एक्सेसिव प्राइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199, द लाइन इन ग्रोट्सवर्थ टाइगर हर्ट रैप्ड इन ए प्लेयर हाइट एलूड टू शेक्सपियर प्ले डैश विच कंटेन द लाइन ओ टाइगर हर्ट रैप्ड इन ए वोमेन हाइट, हेनरी सिक्स पार्ट थ्री।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200. द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वॉज एन 18th सेंचुरी एडिशन ऑफ द ड्रामेटिक वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर एडिटेड बाय सैमुअल जॉनसन एंड जॉर्ज स्टीवंस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 201. हु अनाउंस हिज इंटेंशन टू एडिट शेक्सपियर प्ले इन हिज मिसलेनियस ऑब्जर्वेशन ऑन मैकबेथ 1745. सैमुअल जॉनसन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 202. हु वुड इन्वॉल्व हिमसेल्फ सो क्लोजली विद द शेक्सपियरियन प्लेस दैट ही वॉज वंस टेरिफाइड बाई द घोस्ट इन हैमलेट एंड हैड टू हैव पीपल अबाउट हिम. सैमुअल जॉनसन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 203. हु इज द मोस्ट कोटेड ऑथर इन अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बाई सैमुअल जॉनसन. विलियम शेक्सपियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204. हु बिलीव दैट शेक्सपियरियन प्लेस अवेलेबल इन हिज टाइम लैक्ड ऑथर टेटिवनेस बिकॉज दे वर ट्रांसक्राइब्ड फॉर द प्लेयर बाई दोज हु मे बी सपोज टू हैव सेल्डम अंडरस्टूड दैम. दे वर ट्रांसमिटेड बाई कॉपियर्स इक्वली अनस्किलफुल हु स्टिल मल्टीप्लाइड एरर. दे वर परहैप्स समटाइम्स mutilated by the actors for the sake of shortening the speeches and were at last printed without correction of the press. Samuel Johnson. Next question number 205. Who believed that the reader of Shakespeare was the true audience of the play? Samuel Johnson. शेक्सपियर के जो रीडर हैं वो उनके प्ले की ट्रू ऑडियंस है. सैमुअल जॉनसन ने कहा है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 206. हु बिलीव दैट लेटर एडिटर्स बोथ मिसअंडरस्टूड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर एंड हिज प्लेज एंड अंडरस्टिमेटेड द डिग्री ऑफ टेक्सचुअल करप्शन दैट द प्लेज एग्जिबिट. दिस वॉज बिकॉज द स्टाइल ऑफ शेक्सपियर वॉज इन इटसेल्फ परप्लेक्स्ड अनग्रामेटिकल एंड ऑब्सक्योर. सैमुअल जॉनसन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग शेक्सपियरियन एडिटर. ठीक है, इनमें से कौन है जो शेक्सपियर का एडिटर नहीं है? निकोलस रो एंड अलेक्जेंडर पोप. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द शेक्सपियरियन एडिटर. इनमें से कौन है जो शेक्सपियर का एडिटर नहीं है? आपको बताना है. निकोलस रॉ एंड अलेक्जेंडर पोप, लुइस थेबोल्ट एंड थॉमस हैमर, विलियम वर बर्टन एंड थॉमस एडवर्ड, डॉक्टर जॉनसन, जॉर्ज स्टीवंस एंड एडमंड मेलोन. सो यहाँ पर ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट. दे ऑल आर शेक्सपियरियन एडिटर. ये सभी के सभी शेक्सपियर के एडिटर हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 208. इन विच ऑफ हिज वर्क सैमुअल जॉनसन प्रोमिस टू करेक्ट वॉट इज करप्ट and to explain what is obscure with reference to Shakespearean plays. Proposals for an addition of Shakespeare. Next है 209. Who wrote essay on the learning of Shakespeare? Richard Former. Next है question number 210. Who scribbled in his diary William Shakespeare the most profound and influential genius in the annals of English literature died as a direct result of getting drunk with his mate John Ward. John Ward ने अपनी डायरी में ये लिखा है कि मतलब उनकी जो डायत है वो शराब पीने से हुई थी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 211. द फॉलोइंग लाइन्स आर रिटन बाय व्हेन लर्निंग चिम्फ ओवर हर बाब बस फो फर्स्ट रियर दी स्टेज इमोटल शेक्सपियर रो ईच चेंज ऑफ मैनी कलर लाइफ ही ड्रो एग्जॉस्टेड वर्ड एंड देन इमेजिन न्यू. डेविड गैरिक की लाइन्स हैं ये. सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट विलियम शेक्सपियर और इसके साथ ही जितने भी एग्जाम पॉइंट थे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड वो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.